हेलो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस के बारे में हर एक ट्रेडर को जानना ही चाहिए, बिकॉज स्टॉप लॉस प्रोटेक्ट योर कैपिटल। यह आपको अनलिमिटेड लॉस होने से बचाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टॉप लॉस क्या है और हमें इसे क्यों लगाना चाहिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए। इन सारे सवालों का जवाब आपको कुछ ही मिनटों में मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज स्टॉप लॉस। दोस्तों, स्टॉप लॉस का सिंपल मीनिंग है लॉस को स्टॉप करना, लॉस को कम करना, बस। अब इससे ज्यादा लॉस हम नहीं कर सकते, इससे ज्यादा लॉस हमें नहीं लेना चाहिए। और जिस पॉइंट पे आपको ऐसा लगे हुआ पॉइंट आपका स्टॉप लॉस पॉइंट है, और यह स्टॉप लॉस पॉइंट आपको आपके चार्ट पे दिखेगा। इसकी चर्चा हम वीडियो के तीसरे पार्ट में करेंगे कि हमें स्टॉप लॉस को कहाँ लगाना चाहिए। तो अभी स्टॉप लॉस क्या है उसे एक एग्जांपल से समझिए। सपोज 1000 रुपए का कोई एक्स बाय जेड स्टॉक है और आपको लगता है कि इसका प्राइस बढ़ेगा और बढ़कर 1040-1050 तक जाएगा। तो आप सोचते हैं 40-50 रुपए कमाने के लिए हम 20 रुपए का रिस्क लेकर इसको बाय करते हैं, और आप उसे बाय कर लेते हैं। बाय करने के बाद यहाँ पे दो चीज हो सकता है, या तो आपका टारगेट हिट हो, या तो वह स्टॉक आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा और आपको लॉस होगा। दोस्तों, इस ट्रेड में आपको कितना लॉस होगा इसको आप फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस पॉइंट है 980 रुपए, तो आप 980 रुपए पे सिस्टम स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा देंगे। तो अब इसकी प्राइस जैसे ही 980 रुपए होगा तो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट हो जाएगा और आपको 20 रुपए का लॉस हो जाएगा। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद इसका प्राइस जितना भी नीचे गिरे उससे आपको कोई मतलब नहीं है, अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो। कुछ लोगों को स्टॉप लॉस के बारे में पता नहीं होता है, और जिनको पता है उनमें कुछ लोग सोचते हैं कि नीचे गिरा है, ठीक है, कोई बात नहीं, या फिर ऊपर चला आएगा, लेकिन वह ऊपर आता नहीं है और उनको लास्ट में एक बहुत बड़ा लॉस बुक करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस को जरूर लगाएं, हो सके तो सिस्टम स्टॉप लॉस लगा दें। नहीं तो अगर आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं तो जैसे उसकी प्राइस आपका स्टॉप लॉस पॉइंट पे आया तो आप उस समय उस ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। तो अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि हमें स्टॉप लॉस क्यों लगाना चाहिए। आई थिंक इसका जवाब आपको मिल गया होगा। यह आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। अगर आपको अपना कैपिटल बचाना है और मार्केट में लंबे समय तक रहना है तो आपको स्टॉप लॉस यूज करना ही होगा, क्योंकि कितना भी अच्छा ट्रेड हो, कितना भी अच्छा सेटअप हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वह 100% आपके फेवर में जाएगा। एक अच्छे से अच्छे सेटअप का एक्यूरेसी मात्र 60-70% होता है। इसलिए दोस्तों, स्टॉप लॉस आपको यूज करना ही चाहिए। तो अब हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे कि हमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए। दोस्तों, इसका जवाब है कि आप ट्रेड करने के लिए कौन सा सेटअप यूज कर रहे हैं और आप किस रीजन की वजह से ट्रेड ले रहे हैं। इसी से आपको पता चलेगा कि हमें स्टॉप लॉस को कहाँ लगाना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉप लॉस कहाँ लगाया जाता है उसे हम चार्ट पे समझते हैं। इस चार्ट पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे प्राइस एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, इसके बाद यह अप साइड ब्रेकआउट देकर एक कैंडल क्लोज करता है। अगर इस कैंडल के बाद आप एंट्री लेते हैं, इसे बाय करते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे होता और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। लेकिन यहाँ पे आप ये सोचिए कि जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं उनको कितना बड़ा लॉस होता, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उस दिन प्राइस कितना नीचे गिरा। वहीं अगर आप यहाँ नीचे ब्रेकआउट होने पे ट्रेड लेते तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ होता, और अगर आप इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बनने के बाद ट्रेड लेते तो आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर होता। दोस्तों, इन्वर्टेड हैमर अगर टॉप पे बनता है तो वह बेरिश सिग्नल देता है, और यह कभी कभी बहुत बड़ा प्रॉफिट दे देता है, जैसा कि आपको इस चार्ट पे दिख रहा होगा। दोस्तों, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग अपना स्टॉप लॉस जिस कैंडल पे एंट्री लेते हैं उस कैंडल से थोड़ा सा नीचे डालते हैं, या तो किसी इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के थोड़ा सा नीचे या रेजिस्टेंस लेवल के थोड़ा सा ऊपर लगाते हैं। आई होप दोस्तों, इस वीडियो में आपको स्टॉप लॉस के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो हमने आपको इंडिया का टॉप 3 स्टॉक ब्रोकर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है,
आप जिसमें भी चाहे अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। एंजल वन में अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, तो उसमें अपना अकाउंट जरूर खोल ले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।